तो दोस्तों, सही फैसला लेना, सही डिसीजन लेना कोई काबिलियत नहीं होती है। असली काबिलियत तब होती है जब आप कोई फैसला ले लेते हो, कोई डिसीजन ले लेते हो और फिर आप उसको सही साबित कर देते हो। उसे बोलते हैं असली काबिलियत। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है January 19, 2019 और डे है सैटरडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस करंट वीडियो की पिक्चर चाहिए तो आप मेरे को फेसबुक पर जाके फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए एज वेल एज मेरे नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हो। मेरा लिंक आपकी स्क्रीन पर है, एज वेल एज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ड्रॉप कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपसे आज पूछा जा रहा है यूनिस्पेस के बारे में। यूनिस्पेस क्या है? यूनिस्पेस इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। आपको बताना है यूनिस्पेस के बारे में, इनमें से कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है, यूनिस्पेस कॉन्फ्रेंसेस प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर अ ग्लोबल डायलॉग ऑन की इश्यूज रिलेटेड टू स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन दैट हैव यील्डेड ट्रेमेंडस साइंटिफिक एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोसाइटल बेनिफिट फॉर ह्यूमन काइंड। दूसरी स्टेटमेंट है, उन्नति अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट इज एन इनिशिएटिव बाय इसरो टू कमेमोरेट द 50th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। इसके अंदर देखो एक इनबिल्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि उन्नति क्या है। ओके, तो दो क्वेश्चन असलियत में। तीसरी जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो है, ऑल थ्री कॉन्फ्रेंसेज ऑफ यूनिस्पेस वर हेल्ड इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और आपके ऑप्शन है ए वन एंड टू ओनली, बी टू एंड थ्री ओनली, सी वन एंड थ्री ओनली, या डी ऑल ऑफ द अबव। और जल्दी से आपको अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करने हैं। स्टार्ट करते हैं आज की द हिंदू की पहली खबर के साथ। तो पहली खबर आपको मिलती है पेज नंबर टू पे, न्यूज़ है मिजोरम गवर्नमेंट टेक्स टू कोर्ट ओवर द लिकर लॉसेस। तो लिकर मतलब यहाँ पे शराब की बात हो रही है, दारू की बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले, कि हमारे देश में जो अल्कोहल है वो किन किन स्टेट्स में प्रोहिबिटेड है, किन किन स्टेट में वहाँ पे अल्कोहल नहीं बिकती है, तो वो आपको पता होने चाहिए। देखो यहाँ पे है बिहार, बिहार के बाद है यहाँ पे गुजरात, गुजरात के बाद है यहाँ पे नागालैंड, और फिर है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। तो अभी करेंटली चार जगह हैं जहाँ पे लिकर बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। ओके, बाकी सारी जो स्टेट्स हैं उनमें से कुछ स्टेट ने यहाँ पे बैन किया था बट अब वहाँ पे परमिट कर दिया गया है। अब यहाँ पे आज बात हो रही है मिजोरम के बारे में, कि मिजोरम में क्या हुआ था। बेसिकली जो मिजोरम के अंदर अभी भी लिकर के अंदर बैन चल रहा है, बेसिकली इलेक्शन का प्रॉमिस लिया था यहाँ पे मिजो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने, और उसको ध्यान में रखते हुए December 21, 2018 से लेकर January 14, 2019 तक यहाँ पे लिकर को बैन कर दिया था। यहाँ पे उस समय बात हो रही थी कि जो बैन है ये क्रिसमस और न्यू ईयर ईव के लिए किया गया है, बट यहाँ पे देखने को मिला कि इस बैन को एक्सटेंड कर दिया है March 10 तक। तब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी यहाँ पे जॉब्स भी इन्वॉल्व होती हैं लिकर सेक्टर के अंदर, जो इनका प्रोडक्शन करते हैं, जो इनकी सेल करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिली है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। अभी आर्टिकल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि देश में हमें लिकर बैन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर हम बैन करते हैं तो उसके क्या क्या नेगेटिव डाउनफॉल्स हो सकते हैं, तो इस वजह से हम ये आर्टिकल को डिस्कशन में ले रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनल जो मिजोरम लिकर वेंडर्स एसोसिएशन है और यहाँ पे जो ओनर्स हैं यहाँ पे स्टेट के 3 बॉन्डेड वेयर हाउसेस के, जहाँ उन्होंने यहाँ पे सेपरेट लॉ सूट फाइल किए हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो एक प्रोहिबिशन पॉलिसी ही क्यों नहीं ले आती है, और अगर उनको बैन ही करना है तो हम लोगों को पहले से इन्फॉर्म क्यों नहीं कर देती है। यहाँ पे वो लोग एक चीज़ और कह रहे हैं कि अगर सरकार बैन कर रही है और उन्होंने हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो या तो सरकार हमारी जो यहाँ पे लिकर है, हमारी जो अल्कोहल है, उसे परचेज करे, जिससे हम लोगों को भी यहाँ पे लॉस ना झेलना पड़े। ओके, तो जो लिकर डीलर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव कम आउट विद एन एग्जिट पॉलिसी। एक एग्जिट पॉलिसी आनी चाहिए कि हम लोग लिकर को बैन कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर फेज्ड मैनर में हम लोग इसे बैन करेंगे, और जब बैन करेंगे तो जो लोग पहले से ही इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, उन लोगों को भी आगे कहीं ना कहीं जॉब ढूंढने का मौका दिया जाए, या जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं उनको यहाँ पे कोई, जो उन्होंने स्टॉक इकट्ठा कर रखा है, जो पहले से यहाँ पे परचेज करके इकट्ठी कर रखी है अल्कोहल, उनको यहाँ पे सेल करने का
मौका दिया जाए, और एक जैसे मान लो हम लोग कहते हैं कि एक डेडलाइन दे दें कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद यहाँ पे लिकर को बैन किया जाएगा, तो जो बिजनेसेस होंगे वो उसी हिसाब से अपनी सेटलमेंट कर लेंगे। यहाँ पे उस चीज़ को बोला गया है। नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल चर्च टोटल प्रोहिबिशन फर्स्ट इम्प्रोज्ड विया मिजोरम लिकर टोटल प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1997। ओके, तो 1997 के अंदर यहाँ पे किया हुआ था, उसके बाद जब यहाँ पे लाल थनहारे जी चीफ मिनिस्टर बने, पर उस पर्टिकुलर डिसीजन का कोई भी हेल्प यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को उस समय पर इलेक्शन के समय पर नहीं देखने को मिली थी। फिर यहाँ पे कांग्रेस ने रिप्लेस कर दिया था टोटल प्रोहिबिशन बाय कंट्रोल्ड प्रोहिबिशन। तो यहाँ पे एक डिफरेंस होता है टोटल प्रोहिबिशन और कंट्रोल प्रोहिबिशन में। तो टोटल प्रोहिबिशन की जगह आप कंट्रोल प्रोहिबिशन लेकर आए थे फॉर 18 ईयर्स लेटर थ्रू द मिजोरम लिक्विर प्रोहिबिशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ 2014। ठीक है, यहाँ पे कुछ वाइन शॉप में अलाउड था, कुछ वाइन शॉप में नहीं अलाउड था, और इसी तरीके से कुछ वाइन शॉप यहाँ पे 2015 के अंदर भी ओपन की गई थी। स्टेट गवर्नमेंट ने उस समय रिकॉर्ड किया था 70 करोड़ रुपीज़ का एनुअल रिवेन्यू थ्रू द सेल ऑफ एल्कोहल। मैं आपको बता दूं, एल्कोहल का जो यहाँ पे सेल परचेज होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, ओके, वो अभी भी यहाँ पे हमारे जीएसटी का पार्ट नहीं है। तो जो स्टेट्स अभी भी यहाँ पे जो प्रोहिबिट नहीं कर रही हैं, उनके रिवेन्यू का बहुत ही बड़ा चंक, बहुत ही बड़ा पोर्शन यहाँ पे एल्कोहल की वजह से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हुआ, देखो हम लोगों ने एक और चीज़ देखी है, यहाँ पे कुछ एक स्टडी की गई थी, उस स्टडी के सामने ये आया, एक अकेडमिशियंस की यहाँ पे टीम थी, उन्होंने एक स्टडी करी जो कि 2018 के अंदर ही हमारे सामने आई थी। उनमें बताया गया कि आप जो यहाँ पे पैसे कमाते हो, जो यहाँ पे रिवेन्यू अर्न करते हो एल्कोहल की वजह से, उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है उस कॉस्ट से जो हम लोग बियर करते हैं, जो सोशल कॉस्ट होती है, जो सोसाइटी को नुकसान होता है एल्कोहल की वजह से, वो बहुत गुना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पैसों से ज़्यादा सोसाइटी के ऊपर ध्यान दिया जाए, ऐसा कहना था इस पर्टिकुलर आर्टिकल का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे बेसिकली दो खबरें हैं, पेज नंबर 3 पे आपको मिलती है। सबसे पहले हम लोग नीचे वाली खबर को डिस्कशन में लेंगे, वो है राजस्थान गवर्नमेंट टू पुश विमेंस कोटा। यहाँ पे विमेंस कोटा के बारे में बात हो रही है। कई साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 33% यहाँ पे महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, यहाँ पे लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, बट वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ अटके जा रही है। अभी तक उस चीज़ के ऊपर सिर्फ पार्टीज़ बोलती हैं, पर कोई भी पार्टी उसके ऊपर काम नहीं करती है। अब यहाँ पे जो खबर आई है वो आई है राजस्थान से, कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी का ये कहना है कि वो यहाँ पे जो स्टेट कैबिनेट है उसने इन प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया है कि वो लोग पास करेंगे एक रिजोल्यूशन जो कि सीक करेगा 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। जो यहाँ पे राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर 33% का रिजर्वेशन यहाँ पे महिलाओं को दिया जाए। अब देखो इससे रिलेटेड एक जो ब्लैक बॉक्स में मैंने लिखे हुए हैं कुछ बैकग्राउंड आर्टिकल्स, तो यहाँ पे हमारे देश में आया था एक समय पर द कॉन्स्टिट्यूशन 108th अमेंडमेंट बिल 2008 के अंदर ये आया था, जिसे विमेन रिजर्वेशन बिल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बिल क्या हो गया था, ये बिल लैप्स हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे इसके बिल के अंदर प्रपोजल किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे यहाँ पे अमेंड किया जाए और 33% जो सीट्स हैं उनको रिजर्व किया जाए इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ वुमेन लोकसभा एंड इन ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर वुमेन, और 33% की यहाँ पे देने की बात करी थी। और यहाँ पे एक और चीज़ बोली थी कि जो सीट्स होंगी दे वर टू बी प्रपोज टू बी रिजर्व इन रोटेशन, तो रोटेशन लेवल पे यहाँ पे होगी कि मान लो कोई जैसे एक सीट है, आप जिस जगह पर रहते हो, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हो, उसमें एक बारी यहाँ पे महिलाओं की सीट हुई, फिर एक बारी यहाँ पे जनरल कैटेगरी की, फिर यहाँ पे एससी वुमेन, तो इस तरीके से यहाँ पे चलती रहती हैं, ओके। और उसी बेसिस पे यहाँ पे ड्रॉस के बेसिस पे लॉट डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी सीट यहाँ पे रिजर्व होंगी, और दे हैव टू बी रिजर्व वंस इन एवरी 3 कॉन्सिक्यूटिव जनरल इलेक्शंस, तो ये बोला गया था। तो विमेंस कोटा वाला बिल यहाँ पे हम लोगों को राजस्थान के अंदर पास होता हुआ नजर आ सकता है, बट अभी ये इतने क्लियर हुआ है कि किस सेशन के अंदर यहाँ पे राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली पेश करेगी इस पर्टिकुलर बिल को। अब यहाँ पे ऊपर वाली जो आपके लिए खबर है वो है यूपी गवर्नमेंट नॉट फॉर रिजर्वेशन। तो यहाँ पे किस रिजर्वेशन के बारे में बात हो रही है, वो जो 10% कोटा मिला है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को, उसके बारे में बात हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो बिल पेश हुआ था उसका नंबर था 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और जब ये बिल यहाँ पे पार्लियामेंट से पास हो गया, प्रेजिडेंट ने अपना असेंट दे दिया, तो इसका जो नंबर बना है वो क्या है, 103
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, इन दोनों नंबर में कभी भी कंफ्यूज मत होना। अब खबर है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड अमंग अपर कास्ट इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं इन्वॉल्व हैं जो कि यहाँ पे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, वो यहाँ पे एक्सेप्शन था। अब यहाँ पे यूपी तीसरी ऐसी स्टेट बनी है जिसने यहाँ पे नोट दे दिया है, जिसने अप्रूव कर दिया है उस 10% रिजर्वेशन को। यहाँ पे जो पहली स्टेट बनी थी वो थी यहाँ पे गुजरात, और जो सेकंड स्टेट बनी थी वो थी झारखंड। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक और चीज़ हम लोग डिस्कशन में लेने वाले हैं। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में, 10% कोटा के बारे में, बट यहाँ पे डीएमके जो है पार्टी वो यहाँ पे खिलाफ गई है इस 10% कोटा के, और ये जो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास है उनके पास उन्होंने एक प्ली पेश करी है, केस लगाया है कि ये जो 10% कोटा है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ओके, अब यहाँ पे जो ये आर्टिकल है इसे मैं डिस्कशन में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आपसे कभी सवाल ये पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या डाउनफॉल है, क्या जो पिछले जो टाइम में जो भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ओके, तो उसके क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हुए हैं, उस चीज को यहां पे कहीं ना कहीं दर्शाता है ये पर्टिकुलर आर्टिकल। तो यहां पे मिस्टर भारती हैं जिन्होंने अपना एफिडेविट डाला है यहां पे हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के अंदर, वो किस चीज के बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो इंडियन सोसाइटी को यहां पे 3 मिलेनियम से यहां पे लगा हुआ है, और उन्होंने बोला है कि जो डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जाति या वर्ण व्यवस्था के बेसिस पे जो डिवीजन किया जाता है, ओके, जो कि यहां पे ऋग्वेद के अंदर मेंशन है, ऋग्वेद के कौन से अपने वो किस क्या बोलते हैं हम मंडल में, ओके सॉरी कौन से मंडल में, यहां पे तो 10th मंडल में है जिसमें पुरुष सूक्त को ऐड किया गया था, ओके, तो जो कि डिफरेंशिएट करता है ह्यूमन बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशन के बेसिस पे ह्यूमन बीइंग्स को यहां पे डिफरेंशिएट करता है। ये सारी की सारी चीजें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखी हुई हैं, ओके, मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा हूं। तो आर्बिट्री डिवीजन जो है बिटवीन द ब्राह्मण्स क्षत्रियाज वैश्याज या शूद्रास, इसने जो सोसाइटी है उसको सेग्रीगेट कर दिया, और सिर्फ सेग्रीगेट यहाँ पे प्रोफेशन, सिर्फ सेग्रीगेट यहाँ पे जो आपका काम है उसके बेसिस पे नहीं किया, बट यहाँ पे जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं उसके बेसिस पे भी यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया, सोशल लाइफ के बेसिस पे भी सेग्रीगेट कर दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, ओके, उनको भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करने में जो कास्ट का जो रोल है वो प्ले होने लगा धीरे धीरे, और यहाँ पे एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, और जो सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन था इट वाज नॉट जस्ट इकोनॉमिक, सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, यहाँ पे आप देखोगे सोशल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को बताई गई इस आर्टिकल में, इवन इफ वन पर्सन इज फ्रॉम द लोअर कास्ट बिकम्स रिच, अगर कोई लोअर कास्ट का कोई पर्सन यहाँ पे रिच हो जाता है, अमीर हो जाता है, फिर भी उसे जो सोशल सर्कल होता है अपर कास्ट का उससे यहाँ पे एंटर नहीं करने दिया जाता था। तो यहाँ पे एक पैरेलल नेशन बनाने की कोशिश की गई थी, एक देश के अलग यहाँ पे बाहर जाके एक देश बनाने की कोशिश की गई थी फॉर अनटचेबल्स, ओके। और यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस की हम लोग बात करते हैं, आज़ादी के बाद 1947 के बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है उसने अबॉलिश की अनटचेबिलिटी अंडर द आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर याद रखा करो, एंड द रिजर्वेशन वॉज प्रोवाइडेड फॉर द ऑपरेशन एंड बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई, इसी को यहां पे बोलते हुए एंड में इन्होंने अपने एफिडेविट के अंदर बोला है कि यहां पे जो रिजर्वेशन है वो सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज को प्रोवाइड की गई थी, एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज को प्रोवाइड की गई थी, और जो यहां पे हमारे सामने इस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना है 3rd Amendment Act 2019 है वो स्टेट को एनेबल कर रहा है कि स्टेट यहां पे इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे यहां पे जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करे, जो कि बताया जा रहा है कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशन है, और यहाँ पे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का उसके खिलाफ जा रहा है। अब देखते हैं कि बहुत सारी हाई कोर्ट्स के ऊपर ये दूसरी प्ली है जो हम लोगों को देखने को मिली है, जो कि हाई कोर्ट के पास चली गई, अब देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेता है इस पर्टिकुलर बिल के खिलाफ। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे जो खबर है वो है राजस्थान स्टेट बर्ड मे बी एक्सटिंक्ट सून। एक्सटिंक्ट मतलब यहाँ पे होता है खो जाना, तो राजस्थान की जो स्टेट बर्ड है वो हमें ज़्यादा दिन तक नहीं दिखाई देगी, खो सकती है। तो यहाँ पे राजस्थान की स्टेट बर्ड कौन है, स्टेट बर्ड है द ग्रेट इंडियन बस्टर।
तो यहाँ पे पहले इसके बारे में डिस्कशन लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, आपने कभी ना कभी इसको देखा ही होगा अलग अलग पिक्चर्स में। तो बेसिकली जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी के अंदर आती है IUCN की रेड डेटा लिस्ट के अंदर। ये हैवीएस्ट है सारी की सारी फ्लाइंग बर्ड्स में से, जो तो फ्लाइंग बर्ड्स हैं उनमें से सबसे हैवीएस्ट बर्ड है। और यहाँ पर जो ये बर्ड्स हैं इनको अक्सर यहाँ पर एसोसिएट किया जाता है उस सेम हैबिटेट से जैसे यहाँ पर ब्लैक बक होते हैं। अब ये किस हैबिटेट में पाए जाते हैं, ये यहाँ पे एरिड या सेमी एरिड ग्रासलैंड जहाँ पे बहुत ही शॉर्ट स्क्रब होते हैं, बुशेज होती हैं, कल्टीवेशन बहुत ही लो इंटेंसिटी की होती हैं और अक्सर यहाँ पे फ्लैट टेरेन्स होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो कितनी कम यहाँ पे वेजिटेशन है, कितनी कम यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, छोटी छोटी हाइट की यहाँ पे ग्रासेस हैं। और यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उन जगहों को अवॉइड करती है जहाँ पे इरिगेशन हो, तो पानी की मात्रा भी जिन जगहों पे कम होती है वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और तो ये आप सारी की सारी चीज़ें आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगी, इस वजह से राजस्थान के अंदर ये पाई जाती है और राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है। ओके, अब प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा साइट्स है उसके अपेंडिक्स 1 के अंदर भी इसे प्रोटेक्शन मिली हुई है, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 है उसके अंदर भी जो शेड्यूल्ड 1 वाली जो सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्टेड यहाँ पे स्पीसीज होती है उसके अंदर भी यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। ठीक है, तो एक हमारे स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर एक यहाँ पे प्रोजेक्ट चला था जिसका नाम था प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, स्टेट ऑफ राजस्थान का प्रोजेक्ट था जिसके अंदर क्या किया जा रहा था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आइडेंटिफाई किया जा रहा था और यहाँ पे फेंस ऑफ किया जा रहा था उनके ब्रीडिंग ग्राउंड को, और जिससे उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, और उनकी जो ब्रीडिंग है उसको अच्छे से होने दे सके। अब यहाँ पे जो आज खबर आई है वो क्या है कि यहाँ पे 2 साल हो गए हैं जब राजस्थान सरकार ने एक चीज़ का प्रपोजल रखा था कि वो यहाँ पे कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स बनाएंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जिससे उनकी जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग बढ़ा सकें। बट वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट है उनका ये कहना है कि अभी तक उन सब चीज़ों को यहाँ पे एनफोर्स नहीं किया गया है, तो एनफोर्समेंट अभी भी बाकी है और ये कंट्री की सबसे मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड भी कहा जा रहा है यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो वाइल्ड पॉपुलेशन है उनमें से 50 यहाँ पे जो संख्या है वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, और पूरी दुनिया की 95% पॉपुलेशन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मतलब जो 50 यहाँ पे बचे हैं वो पूरी दुनिया के 95% है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर ही ये पाए जाते हैं, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर भी मिलते हैं, इंडिया के अंदर भी मिलते हैं, ये 2 जगह हैं जहाँ पे अक्सर आपको यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑनरेरी सेक्रेटरी हर्षवर्धन जी का ये कहना है, और वो यहाँ पे मिले थे मिस्टर बिश्नोई से, उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ें। और यहाँ पे जब डिसीजन लिया गया था प्रोजेक्ट बस्टर्ड इन 2013 और उस चीज़ को यहाँ पे 5 साल हो गए हैं, अभी तक आप लोगों ने किसी भी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है, बल्कि जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो टाइगर के कंजर्वेशन में लगे हुए हैं, जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए जो टाइगर को यहां पे प्रोटेक्ट करना जरूरी होता जा रहा है और यहां पे टाइगर की पॉपुलेशन भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट हम लोग सिर्फ एक ही यहां पे एनिमल के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हैं, जो और भी जो यहां पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके ऊपर भी हमें उतना ही ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे रणथंभौर रिजर्व है, उसके बाहर भी हम लोग अलग अलग यहाँ पे टाइगर्स को भेज रहे हैं, उनको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट बड़ा जो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्या वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्या राजस्थान की स्टेट बर्ड अब हमें आगे दिखाई नहीं देगी? तो यहाँ पे कुछ ग्रुप ने इस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया कि जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने कोई भी यहाँ पे साइंटिस्ट को नॉमिनेट नहीं किया है कि जो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उससे रिलेटेड इशू के लिए यहाँ पे कुछ रिसर्च कर सके, जिस चीज़ को यहाँ पे अप्रैल 2017 के अंदर बोला गया था कि कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग डिसाइड कर देते हो बट आप लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, और उसका नुकसान यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखने को मिलेगा। और देखो, जब कोई यहाँ पे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों को पूरे के पूरे इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। अब इसका एग्जांपल कैसे समझोगे, मान लो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे कोई इंसेक्ट खाती है, अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मर जाएगी, तो उस इंसेक्ट की यहाँ पे जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पे जो पूरी की पूरी फूड चेन होगी वो हमें डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। ये था ये पर्टिकुलर आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 5 पे आपको खबर मिलती है गगनयान टॉप प्रायोरिटी सेज इसरो। तो यहां पे इसरो का की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि यहां पे जो गगनयान है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, और उसी के अंदर यहां पे अभी रिसेंटली लॉन्च किया था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम।
ओके, इसका एक सेंटर भी बना था हम लोगों ने, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये हम लोगों ने कहाँ बनाया था, बैंगलोर के अंदर यहाँ पे खुला हुआ था, बैंगलोर जाना जिसको अब लोग अक्सर बेंगलुरु कहते हैं, उसके अंदर यहाँ पे खोला हुआ था। और गगनयान प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाएगा, 2022 के अंदर हम लोग 3 इंडियंस को यहाँ पे भेजने वाले हैं अंतरिक्ष में, ठीक है। अब यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से पहले यहाँ पे 2 अनमैन्ड प्रोग्राम भी यहाँ पे लगाए जाएंगे, जिससे हम लोग अच्छी तरीके से टेस्ट कर सकें। और जो 2 अनमैन्ड प्रोग्राम हैं उनमें से एक यहाँ पे 2020 के अंदर हमें जाता हुआ नजर आएगा, तो गगनयान प्रोजेक्ट विल कम अंडर इट एंड दैट्स हाउ वी विल टारगेट दी फर्स्ट अनमैन्ड मिशन इन दिसंबर 2020। तो 2 यहाँ पे अनमैन्ड मिशन होंगे और फिर एक फाइनल हमारा गगनयान उड़ान भरेगा। गगनयान को हम लोग किस व्हीकल की मदद से उड़ान भरवाएंगे, वो होगा GSLV Mark 3, इंपॉर्टेंट, GSLV Mark 3। चलो आपके लिए एक सवाल, GSLV Mark 3 कितने स्टेजेस में है, आपको स्टेजेस बताना है और कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर्स ड्रॉप करना। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी यहाँ पे गगनयान की, उसके लिए कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए भी अब पास कर दिए हैं, ओके। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रपोजल में आ रही हैं कि फूड सूट्स किस तरीके से जाएंगे, एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग कैसे होगी, यहाँ पे ट्रायल्स कैसा होगा, यहाँ पे किस तरीके से नई कमांड बनाई जाएगी, लॉन्च पैड्स क्रिएट किए जाएंगे, उन सब के ऊपर भी डेली यहाँ पे नई नई खबरें आ रही हैं। अब यहाँ पे इसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इसरो ने एक और चीज़ लॉन्च करी है जिसका नाम है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। यह आपके लिए एग्जाम रेलिवेंट है, व्हाट इज़ यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, यह आपसे डायरेक्टली सवाल में पूछा जा सकता है, यंग साइंटिस्ट यहाँ पे युवा साइंटिस्ट, ओके। तो यहाँ पे यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम उसी प्रोग्राम की तरह है जैसे यहाँ पर नासा का स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम चलता है। तो नासा के अंदर भी क्या होता है, जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनको ले लिया जाता है, उनको यहाँ पे इंस्पायर किया जाता है, उनके अंदर नई चीज़ें सिखाई जाती हैं और फिर उनको बोला जाता है कि आप लोग भी नई सेटेलाइट को यहाँ पर डेवलप करो, ओके। तो यहाँ पे अंडर द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 3 स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड पास, जो कक्षा 8वीं यहाँ पे पास कर चुके होंगे, उनमें यहाँ से 3 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे हर एक स्टेट में से, हर एक यूनियन टेरिटरीज में से, और वो यहाँ पे 1 महीना 1 मंथ यहाँ पे स्पेंड करेंगे, कहाँ पे, इसरो के अंदर। अब वहाँ स्पेंड करेंगे, वहाँ पे नए नए साइंटिस्ट से मिलेंगे, उनसे नई नई चीज़ें सीखेंगे और उनके अंदर एक्सपीरियंस बिल्टअप किया जाएगा और उनके साथ मिलकर एक सेटेलाइट भी बिल्टअप की जाएगी। बताया जा रहा है कि अगर ये सेटेलाइट अच्छी होती है, कामयाब बिल्टअप होती है, तो उसको यहाँ पे इसरो लॉन्च भी करेगी जल्द से जल्द। तो ये है यहाँ पे यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे पेज नंबर 5 पे आपको खबर मिलती है, रूरल हाउसिंग अचीव्स ओनली 66% टारगेट। जहाँ पे 2.5 मंथ्स ही बचे हैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के लिए, और बात हो रही है यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम के बारे में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसका ये मकसद था कि यहाँ पे 1 करोड़ लोगों को हम लोग यहाँ पे घर प्रोवाइड कर देंगे, अभी तक सिर्फ 66% ही जो टारगेट है वो पूरे हो पाए हैं, और 1 करोड़ हाउसेज यहाँ पे बिल्टअप करने का टारगेट रखा गया था। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डेडलाइन है वो हमें एक्सटेंड होती हुई नज़र आ सकती है, मार्च एंड तक जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, जिससे 1 करोड़ हाउस होल्ड यहाँ पे पूरे कर दिए जाए। यहाँ पे बताया गया है कि 15 लाख हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, बस उनकी जो छत है, जो रूफ है, वो बनना बाकी है। यहाँ पे 11 लाख होम्स ऐसे हैं जो कि अपने लिंटन लेवल पे पहुँच चुके हैं और वो भी आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर हमें पूरे होते हुए नज़र आएंगे, ओके। और हमें यह देखने को मिलेगा कि जो पर्टिकुलर स्कीम है ये एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है, कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का जो टाइम पहले लेते थे सरकार 314 डेज का एक घर को बनाने में, अब सिर्फ 114 डेज लगते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो लैंडलेस जो लोग हैं उनको यहाँ पे ज़मीन भी प्रोवाइड करनी है और उसके बाद उनको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे घर भी प्रोवाइड करने हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखोगे यहाँ पे मिनिस्ट्री हैज पॉइंटेड आउट दैट ओनली 12% ऑफ द 4.72 लाख आइडेंटिफाइड लैंडलेस बेनिफिशरीज हैड बीन प्रोवाइडेड लैंड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो लैंडलेस लोग हैं उनको हाउस कंस्ट्रक्शन के प्रोवाइड करने में यहाँ पे पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों में यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी दिखाई
दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे आओ, आपके सामने एक यहाँ पे ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ में लिखा हुआ है दी लंगार्ड्स। तो यहाँ पे बेसिकली आप सिर्फ एक ही स्टेट पे फोकस करो, वो है यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो नंबर ऑफ लैंडलेस आइडेंटिफाई हुए हैं वो यहाँ पे 139,322 हैं, जिनमें से जो बेनिफिशियल्स प्रोवाइड, जिनको लैंड प्रोवाइड की गई है, वो सिर्फ 890 है। मतलब सिर्फ 0.6% जो हैं, जो लोग हैं, जो लैंडलेस लेबर्स हैं, उनको ही यहाँ पे लैंड प्रोवाइड की गई है। देखो कितना खराब यहाँ पे नंबर है, कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे आपको खबर मिलती है, मेघालय सीएम पुशेस फॉर रेगुलेटेड कोल माइंस। तो मेघालय के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे हमारी इंडियन नेवी का एक यहाँ पे हम लोगों ने रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल भेजा, जिसने यहाँ पे कुछ स्केलेटन्स को यहाँ पे इमेज किया था, जिससे हम लोग कह रहे हैं कि शायद जो यहाँ पे 15 लोग जो फंस गए थे वो मर चुके हैं, बट अभी उस चीज़ की अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है। तो 15 लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं रैट होल माइंस के अंदर। रैट होल माइंस मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी, यहाँ पे दो तरीके की रैट होल माइंस होती हैं, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, नेम्स कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि कौन कौन सी हैं दो तरीके की, आपको सही चीज़ें याद रहनी चाहिए। अब यहाँ पे मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनाड के संगमा जी का कहना है कि यहाँ पे इस समय मेघालय के अंदर जो ज़रूरत है वो है ये है कि रेगुलेटेड माइनिंग की, तो माइनिंग हो वो एक रेगुलेटेड मेथड से हो, और अटमोस्ट केयर दी जाए यहाँ पे माइनर्स को, माइनर्स की सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाए, और यहाँ पे एनवायरनमेंट की सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग को बैन किया गया मेघालय के अंदर, जिसने कहीं ना कहीं मेघालय के जो लोग हैं उनको सोशियो इकोनॉमिकली पीछे कर दिया है, लोगों की सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मेघालय के अंदर माइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ओके, और माइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवेन्यू भी जनरेट करता है मेघालय के लिए। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे आपको इन ब्रीफ वाले सेक्शन में दो खबरें मिलती हैं। पहली न्यूज़ है इंडिया इंक्स एग्रीमेंट फॉर उज्बेक यूरेनियम। इंडिया और उज्बेकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिस एग्रीमेंट के अंदर अब इंडिया उज्बेकिस्तान से यहाँ पे यूरेनियम को इम्पोर्ट कर सकेगी, क्योंकि यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट फाइनलाइज किया गया, ये वाइब्रेंट गुजरात समिट के अंदर किया गया। वाइब्रेंट गुजरात समिट इस समय गुजरात के अंदर कहां चल रही है, गांधीनगर में चल रही है, और यहां पे उस पर्टिकुलर डील के साथ साथ एक और यहां पे डील फाइनलाइज की गई, जिस डील की एक एडिशनल डील है कि यहां पे $200 मिलियन का क्रेडिट दिया जाएगा उज़्बेकिस्तान को फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया यहां पे हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए क्रेडिट देगा $200 मिलियन का, $200 मिलियन का। दूसरी जो यहाँ पे खबर है वो है वुमेन टू बी इंडक्टेड इन मिलिट्री पुलिस। तो यहाँ पे हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि यहाँ पे महिलाओं को इंडक्ट किया जाएगा मिलिट्री पुलिस के अंदर, और इसको एक बहुत ही ग्रेडेड मैनर में किया जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पे ये टारगेट रखा जाएगा कि 20% जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे मिलिट्री पुलिस की वो यहाँ पे महिलाएँ होने वाली हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। द डिसीजन टू इंडक्ट वुमेन टू एनहांस देयर रिप्रेजेंटेशन इन द आर्म फोर्स वाज अनाउंस्ड बाय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत। और उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो महिलाओं का जो रोल होगा वो बहुत सारी चीज़ों से यहाँ पे वेरी कराएगा, जैसे प्रोबिंग रेप मोलेस्टेशन केसेस टू असिस्टिंग द आर्मी वेर एवर रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे खबर है इंडिया फ्लेज पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट मूव ऑन गिलगित बल्तिस्तान। तो यहाँ पे इंडिया ने बहुत ही कड़ा कदम उठाया है, इंडिया ने यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से अपनी बात को यहाँ पे सामने रखा है। इंडिया ने समन किया यहाँ पर पाकिस्तानी डिप्लोमेट को, और यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के खिलाफ, जिसने यहाँ पर बोला है कि जो गिलगित बल्तिस्तान वाला जो रीजन है वो पाकिस्तान का रीजन है। ओके, तो यहाँ पे जो रिस्पांस है उस डिसीजन के बाद आया, जब पाकिस्तानी कोर्ट ने बोला एक अपने ऑर्डर के अंदर कि गिलगित बल्तिस्तान केम विद इन इट्स डोमेन, कि उसके डोमेन के अंदर यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन आता है। देखो पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान डेवलपमेंट कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन के अंदर, वहाँ पे यहाँ पे फुल कॉन्स्टिट्यूशन लीगल गारंटी देने की कोशिश कर रहा है लोगों को, जिससे लोग और वहाँ का जो एरिया है वो धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाए। बट यहाँ पे इंडिया ने इस चीज़ को पूरी तरीके से नकारा है, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है और हमारा हिस्सा ही रहेगा। देखो यहाँ पे आप मैप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे जो रेड वाली लाइन है इसके आप इस तरफ देखोगे, ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है,
और ये वाला जो एरिया है ये गिलगिट बल्तिस्तान वाला पर्टिकुलर रीजन है जो कि यहाँ के पाकिस्तानी कंट्रोल्ड रीजन है, ये यहाँ पे अक्साई चीन है। और यह जो रेड वाला पोर्शन है ये वो पोर्शन है जिसको यहाँ पे ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था चाइना को। देखो ये सीपैक का रूट इस पर्टिकुलर पोर्शन से आ रहा है और इंडिया कहीं ना कहीं इसी चीज़ के खिलाफ है कि जो सीपैक का रूट है ये हमारी टेरिटरी में से क्यों पास किया जा रहा है, अगर पास कर रहे हो तो हमारी परमिशन क्यों नहीं ली जा रही है। ओके, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर सिर्फ 14% ही जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज के अंदर रहती है। यहाँ पे लिटरेसी रेट यहाँ बताया जा रहा है 72% है, बट अगर हम लोग असली रिपोर्ट्स की बात करें तो ये बहुत ही फॉल्स रिपोर्ट है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गलत गतिविधियाँ भी होती हैं। ओके, रिवेन्यू किस तरीके से वहाँ पे अर्न किया जाता है लोगों द्वारा, टूरिज्म की मदद से, ट्रैकिंग की मदद से, यहाँ पे माउंटेनिंग की मदद से। तो यहाँ पे इंडिया ने अपना कड़ा एकदम सब चीज़ें सामने रख दी हैं कि हम लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं, जो हमारा पोर्शन है वो हमारा पोर्शन ही है। आपकी सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती कि गिलगिट बल्तिस्तान किसके डोमेन के अंदर आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 10 पे हम लोग आ गए हैं। कल भी मैंने आपके साथ ब्रेग्जिट के बारे में बात करी थी कि यहाँ पे ब्रिटेन चाहता है यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करना और उसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें नज़र आई जब से यहाँ पे थेरेसा मे के डिसीजन के खिलाफ उन्हीं के ही पार्लियामेंट के लोग हो गए, मतलब जो बाकी जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो इस पर्टिकुलर डिसीजन के खिलाफ हो गए। एक नई चीज़ ये भी देखी जा रही थी कि शायद हम लोग एक नया रेफरेंडम देख सकें या यहाँ पे एक नो डील हो जाए कि कोई भी डील ना हो और उसके बाद भी यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो जाए। एक और चीज़ ये थी कि अगर यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग होगा तो जो आयरलैंड और जो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का जो बॉर्डर है वो क्या एक हार्ड लाइन बॉर्डर हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी मैंने आपके साथ डिस्कशन में ली थी। आज जो चीज़ है वो ये है कि थेरेसा मे रिफ्यूजेस टू रूल आउट नो डील एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। यहाँ पे थेरेसा मे ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो नो डील एग्जिट नहीं करेंगी यूरोपियन यूनियन के साथ। और अब हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि एक नई अप्रोच हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर रखी जाएगी थेरेसा मे द्वारा मंडे को, और फिर हम लोग देखेंगे कि जो नई अप्रोच है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। साथ ही गवर्नमेंट अक्रॉस यूरोप जो बाकी जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली एक नया प्लान बना रही हैं कि यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, उनमें लोग जाम हो जाएगा अगर यहाँ पे ब्रिटेन अलग हो जाता है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग वापस अपनी कंट्रीज़ में आएंगे, कुछ लोग यहाँ पे चले जाएंगे, तो उन पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सिचुएशन बन पाएगी, क्या वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैनेज हो पाएगी, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे बता दूँ कि वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है यहाँ पे ब्रिटेन, और वो आज की डेट में एक पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर फंस चुकी है अपने ब्रेग्जिट वाले डिसीजन के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे इकोनॉमी वाले सेक्शन में आपको खबर मिलती है, इन्फ्लेशन वोलेटिलिटी इज अ चैलेंज सेज आरबीआई गवर्नर। यहाँ पे आप शक्तिकांत दास जी जो कि हमारे आरबीआई के 25th गवर्नर हैं उनकी तस्वीर देख सकते हो, थोड़े से सोच विचार कर रहे हैं। और यहाँ पे विचार करने की बात यह है कि उन्होंने बुलाया कि इन्फ्लेशन वोलेटैलिटी, वोलेटैलिटी का मतलब होता है जो चीज़ यहाँ पे वोलेटाइल होती है, मतलब ऊपर नीचे जाती रहती है, स्थिर नहीं होती है, ठीक है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में हमारी इकोनॉमी के लिए। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे देखो, कल मैंने आपको CII के बारे में बताया था कि CII क्या कह रही है कि यहाँ पे जो हमारा CRR है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, जो हमारा रेपो रेट है उसे यहाँ पे हम लोग डिक्रीज कर दें, कितने से 50 बेसिस पॉइंट्स बोला था कल उन्होंने। तो इस तरीके से बहुत सारे और यहाँ पे लोग हैं जो कि यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं उन्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाए। अब यहाँ पे शक्तिकांत दास जी का ये कहना है कि हमें रिड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे डाइवर्जेंसिस और वोलेटिलिटी जो इन्फ्लेशन के अंदर चल रही है वो बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग अभी ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें केस ऑफ रेट कट की, जो कि यहाँ पे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल लोबीज बोल रही हैं, वो कह रही है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो हमें कम हुआ है, CPI यहाँ पे 2.2% पे हम लोगों को देखने को मिला, तो उसके बेसिस पे ही यहाँ पे जो बाकी सारे जो रेट्स हैं उनको भी कम कर दिया जाए। बट ऑल्दो हेडलाइन इन्फ्लेशन हैड मॉडरेटेड सिग्निफिकेंटली इन रीसेंट ईयर्स, हेडलाइन इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे मॉडरेट हो गया है। और यहाँ पे आप इसके मेजर कंपोनेंट्स देखोगे जैसे इन्फ्लेशन इन फूड फ्यूल, तो या फिर जो इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग द फूड एंड फ्यूल, दे आर एग्जिबिटिंग वाइड डाइवर्जेंसेस दिस ईयर। अब देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन को हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक होता है हमारा यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होता है हमारा यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन। अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन में से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं जो यहाँ पे जो लेवल्स होते हैं, जो यहाँ पे चीज़ें होती हैं, गुड्स होते हैं जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, जिनके रेट्स बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे होते हैं, जैसे यहाँ पे फूड के रेट्स होते हैं, यहाँ पे हमारे फ्यूल्स के रेट
होते हैं उन्हें अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोग कोर इन्फ्लेशन पे पहुंच जाते हैं। तो इन इन पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें देखने को मिली हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पे बैलेंसिंग दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ अंडर अ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क वुड वॉरेंट केयरफुल एनालिसिस ऑफ एवरी न्यू डेटा। तो बेसिकली चीज़ ये है कि नए जो डेटा आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, ऐसा कहना है शक्तिकांत दास जी का। उसके बाद ही जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके ऊपर हम लोग आगे पहुंच पाएंगे। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू शेड्यूल्ड है फरवरी 7 को और देखेंगे कि फरवरी 7 को क्या नई नई चीज़ें हम लोगों के सामने आती हैं। साथ ही इसी पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर शक्तिकांत दास जी ने कुछ इंटरनेशनली रिलेट करते हुए भी चीज़ें बोली। उन्होंने बोला है कि मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी वॉज द बेसिक मैंडेट फॉर सेंट्रल बैंक। देखो, सेंट्रल बैंक किसी भी देश का हो, जैसे हमारे देश का RBI है, मेन क्या होता है, मेन जो यहाँ पे काम होता है वो ये होता है कि प्राइस को स्टेबल करना, लिक्विडिटी यहाँ पे कंट्रोल करना। और जिस तरीके से हम लोगों ने देखा 2018 के अंदर जिस तरीके से ऑयल प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे गए, उसमें इन्फ्लेशन का आउटकम हम लोग को देखने को मिला, तो उसको हम लोग किस तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे शक्तिकांत दास जी ने बोला है कि जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेग्जिट वाला मुद्दा चल रहा है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा उसके ऊपर भी हमारी नज़र है। और अगर वो मुद्दा यहाँ पे होता है, मतलब ब्रिटेन एग्जिट कर जाता है यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से, तो उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इंडिया के ऊपर और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। साथ ही यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बात की गई कि यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसने भी यहाँ पे बोला था कि जो NPA रेशियो है यहाँ पे बैंक्स का वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ थी, और आगे आने वाले समय में वो हमें और भी ज़्यादा गिरता हुआ नजर आएगा जो सरकार यहाँ पे कदम उठा रही है। साथ ही यहाँ पे गवर्नर ने एक और चीज़ को बोला, पॉइंट आउट किया एक और चीज़ को कि यहाँ पे कुछ पॉलिसी एक्शन की हमें रिक्वायरमेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, बैंकिंग के अंदर, जिससे जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है बैंक्स की वो ज़्यादा बेहतर हो सके। और साथ ही यहाँ पे बताया गया जो साइबर रिस्क है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। यहाँ पे ILNFS वाला जो इशू था, जो क्राइसिस था, उसका नेम डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, बट कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड यहाँ पे RBI गवर्नर ने बात की। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो डेट डिफॉल्ट है वो जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFCs का, जो NBFCs बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, DSIBs होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे NBFCs भी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनके यहाँ पे नुकसान में आने से पूरे के पूरे इकोनॉमी यहाँ पे क्राइसिस में आ सकती है। उन्होंने भी यहाँ पे वल्नरेबिलिटी और अपने आप को स्ट्रेंथन करने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई है। और यहाँ पे मेन चीज़ ये है जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, ओके, उसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आए और उसको हम लोग और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को, जो कि NBFCs के लिए ऑपरेट करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर 18 पे ही आपको एक और खबर मिलती है, इंडिया रैंक्स 3rd इन रिसर्च पेपर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोग आ गए हैं साइंस एंड टेक वाले पोर्शन पे, आज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने रैंक की है, कौन सी रैंकिंग, 3rd रैंक आई है पूरी की पूरी दुनिया में इन टर्म्स ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशन। जो रिसर्च पब्लिकेशन होती हैं, जो रिसर्च पब्लिश होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करते हुए, उनकी यहाँ पे रैंकिंग बनाई गई थी, जिसमें इंडिया की रैंक आई है नंबर 3। और जो फर्स्ट रैंक आई है वो आई है यहाँ पे चाइना की। अब यहाँ पे ये जो एनालिसिस है ये किया था इतिहासा नाम की एक फाउंडेशन ने, जिसको फाउंड करी है क्रिस गोपाल कृष्णन ने, जो कि फॉर्मर CEO और को फाउंडर भी हैं यहाँ पे इन्फोसिस के। तो इस एजेंसी ने कंप्यूट किए हैं कि कितने साइटेबल डॉक्यूमेंट्स हुए 2013 से 2017 के बीच में, और उन सब चीज़ों के बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग बनाई गई है। इंडिया की रैंक का ये 3rd, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स इंडिया के अंदर साइट आउट हुए थे 2013 और 17 के बीच में, उनकी संख्या थी 12,135, बल्कि अगर चाइना के देखें तो चाइना के थे 37,918। तो देखो डिफरेंस, देखो आप कितना ज़्यादा है, कहाँ 37,918 और कहाँ 12,135। बट ठीक है, इंडिया की रैंक फिर भी यहाँ पे 3rd आई है। और यहाँ पे मेन जो आप की फील्ड देखोगे जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च बनाई गई, जहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा, वो होंगे यहाँ पे हेल्थ केयर, फिनेंशियल सर्विसेज, मानसून फोरकास्टिंग, रिटेल एंड एडुकेशन। यहाँ पे जिक्र आया कि ये जो पर्टिकुलर फील्ड है अगर इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम लोग सहारा लेंगे तो उससे जो जॉब्स हैं
उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉब्स एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्द से जल्द हमें लागू होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे बात हुई नीति आयोग के बारे में भी कि नीति आयोग ने पिछले ही यहाँ पे जून 2018 के अंदर एक डिस्कशन पेपर लॉन्च किया था ऑन द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, जिसके अंदर बोला था कि द कंट्री कुड एड $1 trillion टू इट्स इकोनॉमी थ्रू इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टू द इकोनॉमी। वहाँ पर बताया गया था कि अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी इकोनॉमी के साथ लिंक कर देंगे तो हम अपने देश में $1 trillion भी ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पेज नंबर 18 पे ही आपको एक और खबर मिलती है, सैटर्न्स रिंग आर यंगर देन थॉट। तो यहाँ पे आप सैटर्न देख सकते हो, यहाँ पे सैटर्न की रिंग देख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है जो हम सवाल डिस्कशन में लेंगे कि सैटर्न की रिंग असलियत में डेवलप कैसे हुई, कैसे बन गई यहाँ पे सैटर्न के चारों तरफ इस तरीके की रिंग। तो साइंटिस्ट बेसिकली ये सस्पेक्ट करते हैं कि ये रिंग कैसे फॉर्म हुई है, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आईसी कॉमेट था या मून था जो कि बहुत क्लोज था यहाँ पे सैटर्न के, और वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से शैटर आउट हो गया, बिखर गया, और बिखर के यहाँ पे डेंसिटी बेसिस पे अरेंज हो गए, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सैटर्न के चारों तरफ घूमने लगे। तो ये यहाँ पे रीज़न था कि किस तरीके से सैटर्न के आसपास यहाँ पे इस तरीके की रिंग बन गई। अब यहाँ पे हम लोग अभी तक मानते थे कि सैटर्न की जो यहाँ पे रिंग है वो बहुत पुरानी है, ओके 4.5 बिलियन साल पुरानी हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा पुरानी यहाँ पे हम लोग मानते थे, आप इस चीज़ को याद रखोगे। बट यहाँ पे जो सैटर्न के रिंग है नई स्टडी के हिसाब से, जो हम लोगों ने नई रिसर्चेस की हैं उसके हिसाब से, वो इतनी भी पुरानी नहीं है, दे आर वेरी यंग, बहुत ही युवा हैं। तो यहाँ पे नासा का जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट था जिसको हम लोगों ने यहाँ पर सैटर्न के ऊपर भेजा था, उसने यहाँ पे जो हम लोगों को स्टडी भेजी उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया मास ऑफ द रिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल मेजरमेंट ऑफ द प्लैनेट, और यहाँ पे उसके बेसिस से बताया जा रहा है कि जो रिंग है ये 100 मिलियन टू 10 मिलियन ईयर एगो ही बनी है, और यहाँ पे द फाइनल 2% ऑफ द सैटर्न्स करंट एज, ओके तो अभी बहुत ही युवा ये बताई जा रही हैं। ये जो नोशन है ये उस नोशन के खिलाफ जा रहा है जो साइंटिस्ट यहाँ पे उस समय कहते थे कि जो रिंग है ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। अब देखो ये जो रिंग मास है ये टर्न आउट हुआ है 45% लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेशन। प्रीवियसली जो यहाँ पे जो मास था इन रिंग्स का जो एस्टिमेट किया गया था उससे यहाँ पे 45% कम एस्टिमेट हुआ है, और जितना ज़्यादा यहाँ पे मास होगा हम लोग उतनी ही ज़्यादा एज बताते हैं, तो 45% मास कम हो गया, इस वजह से बोला जा रहा है कि सैटर्न की जो रिंग है ये बहुत ज़्यादा यंग है, अभी युवा है। आप यहाँ पे रीज़न याद रखोगे कि किस रीज़न की वजह से यहाँ पे सैटर्न के आसपास जो रिंग है वो डेवलप हुई। एक और यहाँ पे न्यूज़ आपको पेज नंबर 18 पे मिलती है, जापान से ये खबर आई है। देखो आपने देखा होगा ये द शूटिंग स्टार जिसको हम लोग बोलते हैं टूटता तारा जिसको कुछ लोग यहाँ पे देखते हैं और आँख बंद करके विश भी मांग लेते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये न्यूज़ बेसिकली 2017 से चल रही थी, 18 के अंदर भी बहुत ज़्यादा हाइप हुआ कि यहाँ पे जापान के अंदर आर्टिफिशियली शूटिंग स्टार्स कराए जाएंगे, आर्टिफिशियली यहाँ पे हमें टूटे हुए तारे दिखाए जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे आ रॉकेट कैरिंग अ सैटेलाइट ऑन अ मिशन टू डिलीवर द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल मीटियोर शार ब्लास्टेड इनटू स्पेस ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पे उस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है, वो स्पेस में पहुँच चुकी है, जो कि यहाँ पे आर्टिफिशियली टूटे तारे आप लोग को दिखाएंगे, और यहाँ पे जिस सर्विस का नाम है वो है शूटिंग स्टार्स ऑन डिमांड सर्विस। तो बेसिकली ये जो सैटेलाइट है रिलीज करेगी बहुत ही टाइनी बॉल्स जो कि स्पेस में बहुत ही ब्राइटली यहाँ पे ग्लो करेंगी, चमकेंगी एटमॉस्फेयर के अंदर, और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पे मीटियोर शार हो रहा है। और यहाँ पे ये जो सैटेलाइट थी इसने राइड किया एप्सिलॉन 4 रॉकेट, ओके और यहाँ पे इसको लॉन्च किया है स्पेस जो हमारा उचिनोरा स्पेस सेंटर है वहाँ से जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, देखने को अच्छा लगेगा, कितना सुंदर माहौल लगेगा जब बहुत सारे यहाँ पे शूटिंग स्टार हम लोगों को नजर आएंगे आसमान में, पर इसके लिए आप लोगों को भी और मुझे भी जापान जाना पड़ेगा। तो बस आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आपको मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। जाते जाते डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और कोई भी मन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, ओके और सब्सक्राइब तो अभी तक आपने कर ही दिया होगा, मेरे को ये तो कहने की ज़रूरत अभी तक है नहीं, ओके और प्लीज़ बेल वाला आइकन भी प्रेस कर देना जिससे मैं जब भी लाइव आऊँ तो वो भी आपको पता लग जाए। तो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड।